दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस दिन से ट्राई का नया डीटीएच कानून आया है, लोगों के मंथली डीटीएच बिल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कदम दिखाते हुए केबल ऑपरेटर से ने, दोस्तों अगर आप केबल ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब कोई लोकल केबल ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, टाटा स्काई उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर आई है कि यहाँ पे नेटवर्क कैपेसिटी फीस में बड़ा कटौती का ऐलान यहाँ पे किया है इन लोगों ने। क्या है पूरी न्यूज, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्राई का नया डीटीएच कानून मतलब ऐसा कानून है कि जिससे लोगों के बिल जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लोगों, ये कानून जो है वो अच्छा तो था, मतलब ट्रांसपेरेंसी यहां पे लाने के लिए था, मतलब जो चैनल देखना है उसका ही आपको पैसा देना है, एक्स्ट्रा चैनल आपको नहीं देखने तो उसका पैसा नहीं देना है। लेकिन इस चैनल में, इस पूरे पैकेज के अंदर दोस्तों, इस कानून के अंदर सबसे बड़ा जो दोस्तों हर्डल आता है, सबसे बड़ी रुकावट जो है नेटवर्क कैपेसिटी फीस, क्या आपको हर महीने यहां पे 153 रुपए तो देने ही है। अब इस चीज के लिए दोस्तों हम सभी हमेशा बोलते हैं, ट्राई को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हटा देनी चाहिए, लेकिन अभी वैसा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क कैपेसिटी फीस का क्या फंडा, पहले बता दूं आपको कि यहां पे ट्राई ने कहा है कि आप 100 SD चैनल, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल, वो फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं, उतने अगर चैनल लेते हैं तो आपको यहां पे 130 रुपए हर महीने नेटवर्क कैपेसिटी फीस देनी है, प्लस 18% जीएसटी, यानी 153 रुपए आपको देने 100 चैनल के ऊपर। ये फिक्स एक कैप लगा के रखा था। लेकिन दोस्तों इसको हटाते हुए, इसको दोस्तों कुछ आगे जाते हुए यहां पे बात करते हैं, ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन यानी AIDCF, यानी जितने भी केबल ऑपरेटर दोस्तों इनकी एसोसिएशन ने इस चीज में थोड़े बदलाव कर दिए। पहले जो 100 चैनल पे आपको 153 देने पड़ते थे, अब ये 100 चैनल नहीं, इनको दोस्तों बढ़ा के 150 चैनल कर दिया। आपने सही सुना दोस्तों, अब 150 चैनल पे आपको नेटवर्क कैपेसिटी फीस लगने वाली है। 150 चैनल आप देख सकेंगे, मतलब ज्यादा चैनल की आपको यहां पे कम नेटवर्क की कैपेसिटी फीस देनी पड़ेगी, मतलब कम कर दिया यहां पे, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। क्योंकि पहले ऐसा था दोस्तों, 100 चैनल पे आपको 153 देने थे, प्लस अगर ऊपर आपने चैनल ले लिए तो आपको अलग अलग नेटवर्क कैपेसिटी फीस के स्लॉट लेने पड़ते थे। तो एक स्लॉट दोस्तों आपको 20 रुपए का पड़ता था, जहां पे 25 चैनल आप देख सकते थे, तो अगर आपको 50 चैनल देखने तो 2 स्लॉट लेने पड़ते थे, मतलब 40 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते थे नेटवर्क कैपेसिटी फीस, प्लस उस पर जीएसटी 18%, मतलब ऑलमोस्ट 50 रुपए समथिंग। लेकिन अब दोस्तों अगर आप यहां पे 150 चैनल देखेंगे तो आपको वही 100 चैनल की नेटवर्क कैपेसिटी फीस देनी पड़ेगी 153 रुपए। तो ये बड़ी शुरुआत है दोस्तों यहां पे। ऑल इंडिया अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पे डिजिटल केबल फेडरेशन जो है दोस्तों, यहां पे उन्होंने एक अच्छा कदम यहां पे उठाया। और डेफिनेटली दोस्तों मैं बता दूं कि कभी कभी बड़ी डीटीएच कंपनी से अच्छे जो लोकल केबल ऑपरेटर होते हैं वो आपको अच्छी सर्विस देते हैं, वो आपका पैसा भी घर पे लेने आते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी सॉल्यूशन दे देते हैं, तो वो लोग दोस्तों डेफिनेटली आपको अच्छी सर्विस देते हैं। तो उनकी तरफ से दोस्तों ये बड़ा ऐलान यहां पे है कि अब आपको नेटवर्क कैपेसिटी फीस के अंदर अच्छा खासा यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है। जो चैनल आप 100 चैनल पे देते थे, अब आपको वहां पे 150 चैनल मिलने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 चैनल की नेटवर्क कैपेसिटी फीस यहां पे हट गई है दोस्तों। ऑलमोस्ट दोस्तों आपको यहां पे 150 चैनल देखने और 100 चैनल की नेटवर्क कैपेसिटी फीस आपको यहां पे देनी पड़ेगी। 153 में आपको 100 चैनल नहीं, अब आप यहां पे 150 चैनल देख सकेंगे एज अ केबल ऑपरेटर दोस्तों। तो ये धमाकेदार दोस्तों एक अच्छा कदम है और एक सराहनीय कदम है। तो मेरी तरफ से दोस्तों अच्छा कदम है और आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों एक शुरुआत अच्छी हो सकता है कि जितनी बड़ी बड़ी डीटीएच कंपनी से वो भी कुछ इस तरह के कदम उठाएं, क्योंकि नेटवर्क कैपेसिटी फीस दोस्तों सबसे बड़ा यहां पे गुनहगार हो सकता है जो आपके मंथली डीटीएच बिल्स को यहां पे बढ़ाता है। क्योंकि आपके जो मंथली बिल होते हैं दोस्तों, आप जो भी चैनल लेते हैं, मतलब 100 चैनल ले लिए, 150 चैनल ले लिए, उसका तो पैसा आपको देना ही है, उसके साथ साथ नेटवर्क कैपेसिटी फीस दोस्तों एक्स्ट्रा लगती है, मतलब 150-200 रुपए समथिंग लग जाती है, 250-250 रुपए की लोगों की लगती है, ऑलमोस्ट 200 डबल कर देता है आपके बिल को। तो दोस्तों इसके अंदर, मतलब इसके हटाने की तरफ दोस्तों ये पहला कदम था जहां पे नेटवर्क कैपेसिटी फीस में बड़ी कटौती यहां पे केबल ऑपरेटर ने दोस्तों यहां पे किए, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे 100 चैनल के पैसे देने और 150 चैनल आप यहां पे देख सकेंगे। तो ये बड़ा कदम है दोस्तों, सराहनीय कदम है। तो फ्रेंड्स मुझे यहां पे ये बताइए कि आपको ये कदम कैसे लगा, और मुझे ये बताइए कि ट्राई का जो नया डीटीएच कानून है, इसके आने से पहले आप मंथली डीटीएच बिल आपका कितना आता था और आज आपका मंथली डीटीएच बिल कितना आता, उससे पता चल जाएगा कि लोगों के मंथली बिल कितने बड़े हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।